लास्ट पार्ट के एंड में यान्यू को दिखाया गया था जो कि इस जगह पर अपने मन में सोच रही होती है क्या लूशेंग इस जगह पर हमारी सिटी की रेपुटेशन को पूरे तरीके से खराब करना चाहता है, क्योंकि वो लगभग एक महीने से खाली सो रहा है और खाना खा रहा है, इस जगह पर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं कर रहा। सीन शिफ्ट होता है यून को दिखाया जाता है जो की 3 गुना ग्रेविटी प्रेशर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहने लगता है, चलो ठीक है, इस जगह पर तुमने लगभग 10 मिनट इस जगह पर बिता लिए हैं, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद तुम्हारी मसल्स को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हम देखते हैं ट्रेनिंग रूम से तुरंत यून बाहर जाता है और इंस्ट्रक्टर से बोलने लगता है, मैं इस जगह पर 4 गुना ग्रेविटी प्रेशर में उस जगह पर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रेनर इसके लिए भी मना कर देता है और कहने लगता है अभी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, उसकी काफी सारी तारीफें कर रहे होते हैं। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है, लूशेंग अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम दोनों के पावर लेवल में थोड़ा बहुत भी गैप होगा, अब हम दोनों इक्वल लेवल पर आ चुके हैं शायद से। तभी इस जगह पर जो वो दूसरा बंदा होता है यानी कि उसका ट्रेनर, वो बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है तुम इस बार इस ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन बनने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही वो फिर से लूशेंग के बारे में सोचने लगता है और कहता है, नहीं मुझे अभी ऐसा नहीं लगता क्योंकि लूशेंग अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है मेरे मुकाबले। लेकिन इसी के साथ ही वो ट्रेनर बोलता है, मुझे इस जगह पर पता है उस बंदे के बारे में, वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन एक महीने से मैं उसे नोटिस कर रहा हूँ, वो बस सो रहा है और इसी के साथ ही खाना खा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। ये सुनने के साथ ही वो हंसने लगता है और कहता है, शायद से अब मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ क्योंकि एक बंदा जो कि सो रहा है उससे आगे निकलना कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर कछुए और खरगोश की कहानी का एग्जाम्पल देते हुए काफी सारी बातें करता है और हम देखते हैं तभी लूशेंग इस जगह पर आ जाता है। लूशेंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो यून के करीब आने के बाद काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर ग्रेविटी प्रेशर टेस्ट के लिए आगे निकल जाता है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लूशेंग इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। लूशेंग कहने लगता है, चलो ठीक है, आज इस जगह पर ग्रेविटी प्रेशर में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जाए। तभी यून इस जगह पर ताना मारते हुए कहता है, इस जगह पर इतने लंबे टाइम से सोने के बाद तो तुम भी इस जगह पर ट्रेनिंग के लिए आ चुकी हो। लेकिन उसकी किसी भी बात पर लूशेंग ध्यान नहीं देता और कहने लगता है, लगभग मुझे 3 घंटे का टाइम चाहिए और वो 3 घंटे का टाइम लेने के बाद इस जगह पर अपने ऊपर पड़ रहे ग्रेविटी प्रेशर को 2 गुना कर देता है और बोलने लगता है, ये इस जगह पर सही है, लेवल 2 का ग्रेविटी प्रेशर, इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से स्टैंड कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही पीछे से यून कहने लगता है, अगर तुम अंदर जाने से पहले वार्म अप नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां और वेन्स डैमेज हो सकती है। मैं तुम्हें इस जगह पर सही बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। काफी सारे लोग इस जगह पर आ जाते हैं लूशेंग को देखने के लिए, वो सभी लोग लूशेंग को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं, ये लड़का इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन यून इस जगह पर कहने लगता है, वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे रिकॉर्ड को वो कभी भी नहीं तोड़ सकता। इसी के साथ ही वो लूशेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस जगह पर चाहता हूँ कि तुम अपनी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से करो क्योंकि इस जगह पर तुमने वार्म अप बिल्कुल भी नहीं किया, इसीलिए तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन तभी बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं लूशेंग की इस तरीके की हरकतों को देखकर, वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है, क्या इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि ये हिल भी नहीं पा रहा, इसीलिए ये इस तरीके से खड़ा है। लेकिन बाकी लोग कहने लगते हैं, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लूशेंग इस जगह पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद तो उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर में वो इतना ज्यादा फ्रीली मूवमेंट कैसे कर सकता है। सारे के सारे लड़के कहने लगते हैं, उस जगह पर देखो वो लूशेंग है जो इस जगह पर इतनी ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर पा रहा है 2x ग्रेविटी प्रेशर में। ये देखने के साथ ही और भी काफी सारे लोग इस जगह पर जमा होने लगते हैं और कहते हैं, लूशेंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, हमने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था। कुछ लोग इस जगह पर लूशेंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या ये बंदा इस जगह पर कोई इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर, क्योंकि कोई मॉन्स्टर इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है इस जगह पर। लूशेंग कहने लगता है, मुझे लगता है ये ग्रेविटी प्रेशर काफी ज्यादा कम है, मुझे ग्रेविटी प्रेशर का प्रेशर के लेवल को 3 कर देता है। ये देखने के साथ ही यून कहता है, इस ग्रेविटी प्रेशर में तो मैं भी ज्यादा देर तक ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ये इसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। लेकिन लूशेंग तभी कहने लगता है, ग्रेविटी प्रेशर लेवल 3 का भी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए वो लेवल 4 के ग्रेविटी प्रेशर को कर देता है। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जो कमजोर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगता है, उन वॉल्स के बाहर भी। हम देखते हैं लूशेंग को जो कि 4x ग्रेविटी प्रेशर पर खड़ा होता है, लेवल 4 का ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लूशेंग हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी वो इस जगह पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस ग्रेविटी प्रेशर को इन लोगों ने इतना ज्यादा हवा क्यों बना के रखा है, क्योंकि ये ग्रेविटी प्रेशर इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें मैं मूवमेंट ना कर पाऊं। और वो तुरंत ही अपने हाथ को नीचे रखता है। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, शायद से जो लूशेंग है उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तभी कुछ लड़के कहते हैं, नहीं, इस जगह पर तुम्हें अच्छे तरीके से देखना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता उसने इस टाइम पर हार मानी है। और लूशेंग अपनी 2 फिंगर पर पुशअप करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही जिया को दिखाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद इस जगह से जा रही होती है और कहने लगती है, आखिरकार उस जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है जिस वजह से इतने सारे लोग उस जगह पर खड़े हैं, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। और वो इसी के साथ ही उन सभी की भीड़ में आ जाती है इन सारी चीजों को देखने के लिए, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, उस जगह पर देखो लूशेंग 4x ग्रेविटी प्रेशर में भी इतने आसानी से खड़ा है और इस तरीके से
अपनी दो फिंगर के ऊपर अपनी पूरी की पूरी बॉडी के वेट को लेकर आ गया है। ये देखने की बात तो जिया भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, मैं सोच रही थी कि मैं इसे डिफीट कर दूंगी, लेकिन इसको डिफीट करना तो धीरे धीरे करके और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो भी लुशेंग की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, जबकि योन तो नीचे बैठ जाता है और पूरे तरीके से डिप्रेस हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लुशेंग जो कि एक महीने से सो रहा था उसके बावजूद उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे है और किस वजह से दो महीने सोने के बाद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है और वो अभी भी इतना ज्यादा पीछे है लुशेंग से। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी लुशेंग कहने लगता है, ये ग्रेविटी प्रेशर भी काफी ज्यादा कम है, मुझे लगता है मुझे और ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर अपने ऊपर बढ़ा देना चाहिए अगर मैं अपनी लिमिट को पुश करके और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। और वो तुरंत ही वापस से मशीन के पास आ जाता है, जिस जगह पर आने के बाद वो अपने ग्रेविटी प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही वो उस पर टच करता है सभी लोग कहने लगते हैं, ये बंदा इस जगह पर पूरे तरीके से पागल हो चुका है, इसने लेवल 5 के ग्रेविटी प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर सहने के बारे में सोचा है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसको सहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और लुशेंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जबकि हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि लुशेंग के साथ ही एंट्रेंस एग्जाम को दिया था। वो लुशेंग को देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है इस जगह पर, जबकि बाकी सभी लोग भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। यान यू कहने लगती है, लुशेंग तो अभी भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि पहले हुआ करता था। योन इस जगह पर कहने लगता है, लेकिन अब ये लड़का इस जगह पर क्या करने वाला है, ये टोटली इस जगह पर लेवल 5 के ग्रेविटी प्रेशर में अच्छे तरीके से खड़ा है, इसे कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि ये इस ग्रेविटी प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर सही तरीके से संभाल सकता है। लुशेंग कहने लगता है, ये मेरी लिमिट है इस जगह पर ग्रेविटी प्रेशर को सहने की, अगर इससे ज्यादा मैं ग्रेविटी प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर सहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी पावर को और ज्यादा पुश कर सकता हूं, इसीलिए मुझे ग्रेविटी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही वो कहने लगता है, चलो ठीक है, आज मैं इस जगह पर अपनी सारी की सारी लिमिट्स को पुश करूंगा और जितनी भी मेरे पास टेक्निक है उन सारी की सारी टेक्निक्स को लेवल अप करूंगा, और ये एक सही टाइम है इस जगह पर लेवल अप करने का। सभी लोग इस जगह पर कह रहे होते हैं, 5 गुना ग्रेविटी प्रेशर, ये काफी ज्यादा पावर होती है, ये अभी इस जगह पर ग्रेविटी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, यानी कि ये पूरे तरीके से पागल हो चुका है। लुशेंग तुरंत ही ग्रेविटी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर पहले उन लोगों को ऐसा लगा था लुशेंग बाहर आने वाला है, लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है मेजर सू का जो बोल रही होती है, आज हमारे ट्रेनिंग कैंप को टोटली 10 स्टूडेंट छोड़कर चले गए हैं और इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तभी मेजर डुआन इस जगह पर आते हैं नींबू पानी लेकर और बोलने लगते हैं, टेंशन मत लो इस जगह पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 80% स्टूडेंट इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े जीनियस है और वो इस जगह को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और वो इसी बारे में बात करते हुए कहने लगते हैं, हमारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है इस बार जो हमारे स्टूडेंट है वो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उनकी नजर भी सामने वाली स्क्रीन के ऊपर पड़ती है जिस जगह पर ग्रेविटी रूम के रिजल्ट लिखे होते हैं। वो कहने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है ग्रेविटी रूम के रिजल्ट्स को चेंज कर दिया गया है, यानी कि फिर से किसी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है और ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने के साथ ही सू बोलने लगती है, मुझे पता है इस जगह पर ये और कोई नहीं बल्कि योन ही होने वाला है, लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो बोलता है, ये योन नहीं बल्कि वो बंदा है जिसके बारे में तुम फ्यूचर में भी नहीं सोच सकती। इसी के साथ ही हमें लेवल 8 के ग्रेविटी प्रेशर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर भी लुशेंग इस जगह पर सर्वाइव कर रहा होता है। ये देखने के साथ ही सू हैरान हो जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो लड़का उस जगह पर होगा, क्या वो वापस से ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है। मेजर डुआन बोलने लगते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए ही नहीं आया बल्कि उसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो इस टाइम पर 8 लेवल के ग्रेविटी प्रेशर को झेल रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर देखने लगती है जिस जगह पर लुशेंग की हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही थी। इतने ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर में रहने की वजह से लुशेंग की सारी हड्डियां टूट रही होती है। लुशेंग कहने लगता है, ये इस जगह पर मेरा पीक है लेकिन मुझे अभी भी और ज्यादा अपनी पावर को पुश करना है, इसीलिए मुझे नेक्स्ट लेवल का ग्रेविटी प्रेशर चाहिए। और वो इसी के साथ ही उसकी बॉडी में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने लगता है और अपनी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का एक नेक्स्ट लेवल है जिस वजह से वो उस लेवल को भी अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी इस ग्रेविटी प्रेशर में हवा में उड़ने लगती है। वो कहता है, इस जगह पर मैं इस ग्रेविटी प्रेशर को आसानी से झेल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर एक स्पिरिचुअल शील्ड आ चुकी है जिस वजह से ये ग्रेविटी प्रेशर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे ग्रेविटी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और वो तुरंत ही मशीन के पास जाता है और मैकेनिज्म के पास जाकर ग्रेविटी प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस बार वो ग्रेविटी प्रेशर को लेवल 9 का नहीं करता बल्कि ग्रेविटी प्रेशर के लेवल को लेवल 9 से भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है। बाकी सभी लोग इस जगह पर ये देखकर बोलने लगते हैं, क्या उसने इस जगह पर अपने पीक को अचीव कर लिया है, वो बाहर आने वाला है। वो इसी के साथ ही कह रहे होते हैं, लेकिन इस लड़के को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने इस जगह पर अपने पीक को अचीव कर लिया है। जैसे ही वो इस बारे में बात करते हैं उन लोगों के ऊपर रूम के बाहर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ता है जिस प्रेशर की वजह से वो सभी के सभी नीचे झुक जाते हैं। योन भी इस जगह पर बोलने लगता है, ये प्रेशर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मेरे पास मेरी फैमिली की स्ट्रांगेस्ट बॉडी रिफाइनिंग आर्ट नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी इस जगह पर सही सलामत खड़ा नहीं हो पाता। और हम देखते हैं इस बार लुशेंग ने स्टार्ट किया होता है 10x
इट्स ग्रेविटी प्रेशर, और ये इस जगह पर लेवल 10 का ग्रेविटी प्रेशर है, जिसके वजह से लुशेंग के पैरों के नीचे वाली जमीन टूट जाती है। लुशेंग अपनी बॉडी के साथ ही नीचे की तरफ धंसने लगता है। लुशेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार वो वापस से स्टैंड अप कैसे करे, क्योंकि अब उसकी बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा था इसके वजह से वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी वो कहने लगता है एक मार्शल आर्टिस्ट तब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो या फिर उसको बैक सपोर्ट करने के लिए काफी सारे लोग हो। वो तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो अपनी लिमिट्स को पुश करता रहे, और इसी वजह से एक मार्शल आर्टिस्ट एक मार्शल मास्टर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच सकता है। और मुझे जल्दी से जल्दी मार्शल मास्टर के लेवल पर पहुंचना है, और ये लेवल्स मेरे लिए काफी ज्यादा कम है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और हम देखते वो अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए खड़ा हो जाता है वापस से। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि लुशेंग 18 साल की एज में जितने ग्रेविटी प्रेशर को सह रहा है, इससे पहले भी एक बंदा जिसने इसी तरीके की चीजें करी थी जो कि इस टाइम पर मार्शल शेंट की पोजीशन पर है, और ये वही बंदा है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में दोनों के दोनों मेजर बात कर रहे होते हैं। लुशेंग तुरंत ही ग्रेविटी प्रेशर रूम से बाहर आ जाता है। उस जगह से बाहर आते ही सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। लुशेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मुझे 3 घंटे का टाइम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तभी लुशेंग को एक लड़की ऑफर करती है एक टावल, और लुशेंग तुरंत ही उस टावल को ले लेता है और इसी के साथ ही थैंक्स भी कहने लगता है। सभी लोग लुशेंग की तारीफें कर रहे होते हैं और लुशेंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लुशेंग कहने लगता है चलो ठीक है, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं इस टाइम पर मुझे चेक करना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर पॉइंट्स से सब कुछ होते हैं। तभी उसे पता चलता है इस जगह पर जो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है यून का, उसके वजह से उसे काफी सारे पॉइंट्स मिले। लुशेंग इसी के साथ ही देखने लगता है एक रिकॉर्ड को तोड़ने पर उसे कितने पॉइंट मिले। वो देखता है उसके पास इस टाइम पर 4000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट लुशेंग के पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं अगर हम सभी लोग मिलकर इस जगह पर अपने सारे के सारे पॉइंट्स मिला भी ले तभी भी हमारे पॉइंट्स लुशेंग के पॉइंट्स के आधे नहीं होने वाले। वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। लुशेंग आगे बढ़ते हुए कहता है ये 4000 पॉइंट्स काफी ज्यादा कम है। ये सुनने के बाद तो बाकी सारे स्टूडेंट की और ज्यादा किलस जाती है कि ये इस जगह पर किस तरीके से बात कर रहा है, 4000 पॉइंट्स भी कम है। और वो इसी के साथ ही कहने लगते हैं शायद से ये दूसरे रूम की तरफ जा रहा है और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए हमें उसी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है लुशेंग ने अभी तक जो कुछ भी किया ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन अभी जो वो कुछ करने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। तभी इसी के साथ ही यान यू बोलने लगती है मुझे ऐसा लगा था लुशेंग ने इस जगह पर हमारी रेपुटेशन को पूरे तरीके से खराब कर दिया है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है और मुझे ऐसा लगता है जल्द ही ये एक मार्शल मास्टर बन जाएगा। लुशेंग आगे बढ़ रहा होता है, सभी लोग लुशेंग की तारीफ कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक टाइगर इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक लड़की जो कि लुशेंग के बारे में पिछले एपिसोड में बुराई कर रही थी वो बोलने लगती है लुशेंग सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यान यू बोलने लगती है वो तो इस जगह पर फुटवर्क डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, क्या वो उस जगह पर भी कोई बड़ा काम करने वाला है या फिर उस जगह पर जाकर भी इसी तरीके की कुछ तबाही मचाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह पर जो जियांग होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और सारी की सारी लेजर बीम को अपनी स्पीड और अपने पावर की हेल्प से क्रॉस कर रहा था, और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके लेवल 2 की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। वो बोलने लगता है मुझे नहीं लगता इस जगह पर स्पीड के मामले में पूरे के पूरे ट्रेनिंग कैंप में मुझसे होते हैं और इस ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है आखिरकार दोनों के दोनों मेजर इस जगह पर क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई बड़ा इंसान इस जगह पर आया है जो की ट्रेनिंग कर रहा है, शायद से कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कोई इंस्ट्रक्टर उस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है। तभी एक बंदा बताता है लुशेंग वो उस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है। वो हंसने लगता है और बोलता है वो लगभग 1 महीने से सो रहा है और उसके बाद वो इस जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए आया है। जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर बोलता है बकवास करना बंद करो और मुझे इन सारी चीजों को देखने दो, तुम्हें उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन जियांग उस बंदे की बात सुनकर कहता है लेकिन वो तो स्ट्रेंथ टाइप वाला वेकनर है, वो इस जगह पर इस तरीके की चीजें कैसे कर सकता है, उसे इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन सभी लोगों की नजर अब वापस से लुशेंग के ऊपर पड़ती है जिस जगह पर सारी की सारी लेजर्स एक्टिवेट हो जाती है, और इस जगह पर लुशेंग का टास्क यही होने वाला था कि उसे इन सारी की सारी लेजर्स को क्रॉस करना है बिना किसी लेजर को टच करे। लुशेंग कहता है ये तो काफी ज्यादा टफ है, लेकिन जो मेरी मूवमेंट स्पीड है वो एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, इसीलिए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी के साथ ही लुशेंग की आईज ग्लो करने लगती है और हमें पता चलता है लुशेंग अब मेंटल पावर को भी यूज कर सकता है, और मेंटल पावर का यूज करते हुए वो इस जगह पर ये भी पता लगा सकता है कि इस जगह पर कौन सी लेजर कब एक्टिवेट होने वाली है, जिस वजह से उसकी स्पीड पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसी के साथ ही सारी की सारी लेजर वेट हो जाती है और हमें बताया जाता है लुशेंग का मूवमेंट टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ ही अब लुशेंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए इन सारी की सारी लेजर्स को क्रॉस करने लगता है। ये देखने के बाद ही जितने भी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हमें सीन दिखाते हैं जियांग और बाकी स्टूडेंट का जो कि इस जगह पर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जियांग तो वापस से इस जगह पर यून की तरह डिप्रेस होने वाला था, वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो बताने लगता है थोड़ी देर पहले लुशेंग ने ग्रेविटी रूम के अंदर लेवल 10 के ग्रेविटी प्रेशर को फेस किया है और उस जगह पर यून के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है लेवल 10 का ग्रेविटी प्रेशर, इस प्रेशर को फेस करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस बंदे ने इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया और ये इस जगह पर मूवमेंट स्पीड टेस्ट में आने के बाद मेरे से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं इस
इस जगह पर अब क्या ही समझूं। इन सब के बाद वो तुरंत ही जमीन में बैठ जाता है और सारी चीजों को सोचने लगता है जो कुछ भी इस जगह पर हो रही है। इसी के साथ ही हम देखते हैं दोनों के दोनों मेजर्स को जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए कहते हैं लुशेंग की मूवमेंट स्पीड सही में अमेजिंग है। इसी के साथ ही सू बोलने लगती है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये बंदा अपनी मेंटल एनर्जी को यूज कर रहा है इन सारी चीजों को करने के लिए और अपने आप को और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए। वो इसी बारे में बात कर रही होती है, हमें लुशेंग को दिखाते हैं जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती है और काफी ज्यादा तेजी से मूवमेंट करते हुए वो सारी की सारी लेजर्स को क्रॉस कर रहा होता है और बताने लगता है उसके लिए भी धीरे धीरे करके इस जगह पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि इस जगह पर सारी की सारी लेजर्स को क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी हम सू को देखते हैं जो बोल रही होती है इस बंदे की बॉडी से मेंटल एनर्जी निकल रही है और मैं इस मेंटल एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, काफी ज्यादा प्योर है। इसी के साथ ही लुशेंग और भी ज्यादा तेजी से मूवमेंट करते हुए लेवल 2 के मूवमेंट टेस्ट में पहुंच जाता है। ये देखने के साथ ही सू बोलती है मुझे चेक करना होगा और वो तुरंत ही अपनी मेंटल एनर्जी का यूज कर रही होती है। तभी इस जगह पर दूसरे मेजर होते हैं यानी कि डुआन, वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। वो बोलने लगती है मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर रही, तुम्हें इस जगह पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने मन में वो कह रही होती है इसकी बॉडी के अंदर मेंटल एनर्जी जरूर है, मैं इन सारी चीजों को फील कर पा रही हूँ और इसकी मेंटल एनर्जी मेरे मुकाबले काफी ज्यादा प्योर है। और हम लुशेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा आसानी से टीयर 2 के टेस्ट को भी कंप्लीट करने वाला था। ये देखने के सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने इस जगह पर लेवल 2 के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये सुनने के साथ ही टीचर डुआन बोलते हैं वो इस जगह पर कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि उसका टेस्ट इस जगह पर काफी ज्यादा हार्ड है क्योंकि उसकी मूवमेंट स्पीड और फुटवर्क टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है जिस वजह से उसका मूवमेंट करना और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं ये अब इस जगह पर लेवल 3 के टेस्ट को देने वाला है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इस टेस्ट को देने में तो मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं इस टेस्ट को दे रहा था तो लगभग काफी ज्यादा टाइम पर मैंने इस टेस्ट को फेल कर दिया था। काफी सारी बॉल्स अब लुशेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इन सारी की सारी बॉल से लुशेंग को डॉच करना था। ये देखने के साथ ही सारे के सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो नामुमकिन है। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग को जो बोलने लगता है इसने मेरे लेवल को पहले ही कंप्लीट कर लिया और अभी इस जगह पर लेवल 3 के मूवमेंट टेस्ट को दे रहा है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मेरे लिए भी ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन इस बंदे के लिए ये कितना ज्यादा आसान है। लेकिन लुशेंग के बारे में उसे नहीं पता था लुशेंग के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लुशेंग कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी विंड ब्रीडिंग टेक्निक को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा या फिर उसे मास्टर करना होगा तभी मैं इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा वरना मेरे लिए इस टेस्ट को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी सारी बॉल्स को जो कि एक साथ लॉन्च हो रही होती है लुशेंग के ऊपर और इस जगह पर ब्लास्ट जैसी चीज भी दिखाई जाती है लेकिन लुशेंग अभी भी लगातार उन बॉल से बच रहा होता है। ये देखने के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर डुआन होते हैं वो कहने लगते हैं ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे नहीं लगता ये लड़का इस टेस्ट को क्लियर कर पाएगा। मेजर सू बोलने लगती है मुझे भी ऐसा ही है क्योंकि मैंने इस टेस्ट को 20 ईयर की एज में क्लियर किया था लेकिन जो मेजर होते हैं यानी कि डुआन वो बोलने लगते हैं मैंने इसे 19 ईयर की एज में कंप्लीट किया था, तुम्हें इस जगह पर नहीं पता मेरे लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं लुशेंग अभी भी इस जगह पर अपनी फुल स्पीड का यूज कर रहा होता है और गाइस मेजर सू के बारे में बता दूं ये एक मेंटल यूजर है और इनका मार्शल आर्ट स्टाइल के बारे में नहीं बताया गया कि ये स्पीड टाइप है या फिर स्टैंड टाइप, जबकि लुशेंग के लिए अब धीरे धीरे कर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। लुशेंग कहता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये लोग इस जगह पर मुझे हार मनवा कर रहेंगे। लेकिन तभी जो लुशेंग की विंड ब्रीडिंग टेक्निक होती है उसे लुशेंग इसी तरीके से मास्टर कर लेता है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर लेता है जिसके साथ ही लुशेंग की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बस एक ग्रीन कलर की लाइट दिख रही होती है सभी लोगों को और सभी लोग कहने लगते हैं लुशेंग कहाँ है, हम तो उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इस जगह पर टीचर डुआन बोलने लगते हैं लुशेंग की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि तुम लोग उसे नेक डाइस से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लुशेंग इसी के साथ ही थक जाता है और टीचर कहने लगते हैं शायद से अब लुशेंग बाहर आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही मेजर सू बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि अभी भी वो इस जगह पर ट्रेनिंग को जारी रखेगा और लेवल 4 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मेजर इस जगह पर बोलने लगते हैं ये नामुमकिन है उसके लिए, लेवल 4 को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि मैंने भी इसे काफी ज्यादा मुश्किल से कंप्लीट किया था। ये सुनने के साथ ही मेजर सू बोलने लगती है लेकिन मैंने तो अभी तक उसे कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि मैं तो अभी बस उसको स्टार्ट ही करी हूँ। इसी के साथ ही मेजर डुआन पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं जब वो लुशेंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर टीयर 3 के टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद टीयर 4 के टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहने लगता है चलो ठीक है अब टीयर 4 के टेस्ट को देते हैं। जैसे ही वो इसके लिए तैयार होता है ये रूम पूरे तरीके से तैयार होने लगता है टीयर 4 के टेस्ट के लिए, काफी सारी चीजें आ जाती है। लुशेंग भी इन चीजों को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे इस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन हम देखते हैं लेजर बीम के जरिए काफी सारे जाल बन जाते हैं जिन जालों में से लुशेंग को निकलना था। लुशेंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, टीयर 4 का टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, सभी लोग कहते हैं लुशेंग तो इस जगह पर इम्पॉसिबल चीज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है वो लेवल 4 के टेस्ट को देने वाला है। ये देखने के बाद तो जियांग पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे कर सकता है। टीचर भी हैरान होते हैं लुशेंग को इस तरीके से करता हुआ देखकर। लेकिन मेजर सू बोलती है उसे करना है तो इस जगह पर जो वो कर रहा है लेकिन मुझे ऐसा
लगता है वो एक मेंटल पावर यूजर है, जिस वजह से उसके लिए ये स्पीड वाला टेस्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाता है काफी जगहों पर। ये सुनने के साथ ही मिस्टर डुआन कहते हैं, मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये चीज काफी ज्यादा एडवांटेज होती है हर ट्रेनिंग टेस्ट में। इसी के साथ ही हम लुशेंग के पीछे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी को देखते हैं और लुशेंग की बॉडी से ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है जो कि इस जगह पर उसकी विंड एनर्जी होती है। लुशेंग चारों तरफ अपनी विंड एनर्जी को फैलाकर अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो पहले के मुकाबले अपनी स्पीड को 5 times और ज्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि इसके लिए वो अपनी फुल स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने वाला था। लेकिन तभी लुशेंग को एक झटका लगता है, उसे पता चलता है अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सही तरीके से यूज कर सकता है और अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से नोटिस कर सकता है। और जब इस जगह पर लुशेंग अपनी मेंटल पावर को यूज करता है इन सारी चीजों के लिए, तो उसके लिए ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लगातार इस जगह पर क्लोन्स की तरह आगे बढ़ने लगता है। ये देखने के साथ ही सू बोलती है, सही में अब मुझे इस जगह पर सच लगता है कि इसके पास मेंटल पावर है, क्योंकि इस तरीके की मूवमेंट स्पीड को एक मेंटल पावर यूजर ही कंट्रोल कर सकता है, वो भी सही तरीके से। ये सुनने के साथ रिडवान कहता है, रुक जाओ इस जगह पर, ये टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन सू बिल्कुल भी नहीं रुकती और अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है। डुआन अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी पावर को सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमें इस जगह पर इंस्ट्रक्टर सू के पीछे एक बहुत बड़ी सोल जायंट बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर एक्टिवेट हो चुकी थी। ये देखने के साथ ही टीचर डुआन भी बोलने लगते हैं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे मुकाबले ये काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग है। और इसी के साथ ही वो लुशेंग की तरफ अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भेजती है। ये देखने के साथ ही इस जगह पर जो डुआन होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगती है, उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं होने वाला और ना ही इससे उसके इस टेस्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इस चीज के बारे में लुशेंग को पता चल जाता है कि किसी के हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक स्माइल करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को ले आता है, जिस वजह से उन हाथों को हटाना उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है और बोलने लगता है, ये मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है इस जगह पर ये सारी चीजें कौन कर रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो मेजर सू की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो वापस आ जाती है मेजर सू के पास और वो बोलने लगती है, इस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे मुकाबले काफी ज्यादा प्योर है, बल्कि ये मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में मेरे से कमजोर है, लेकिन फिर भी प्योरनेस के मामले में मेरे से काफी ज्यादा आगे है। ये सुनने के साथ ही मेजर डुआन कहते हैं, तुम्हें इस जगह पर मान लेना चाहिए, वो बच्चा इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो कहने लगती है, इसके बारे में मुझे पता है, लुशेंग को दिखाया जाता है। लुशेंग बोलने लगता है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा हुआ, लेकिन लेवल 4 का मूवमेंट एंड स्पीड टेस्ट उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से लुशेंग कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस टेस्ट को इसी जगह पर बंद कर देना चाहिए, वरना इस जगह पर अगर इसी तरीके से ये टेस्ट और ज्यादा आगे तक किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और ये बोलने के साथ ही लुशेंग की बॉडी के ऊपर एक लेजर टकरा जाती है, जिसके बारे में लुशेंग को बिल्कुल भी नहीं पता चलता करने के लिए तुम कहां जाने वाले हो, और इसी बारे में काफी सारी बातें कहने लगती है, तुम अब कौन सी जगह पर जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए। लुशेंग बोलता है, इस टाइम पर तो मेरे खाना खाने का टाइम है, मैं इस जगह पर खाना खाने के लिए जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बता पाता। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगते हैं, शायद से तुम इस जगह पर लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, क्योंकि ये चीज लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आती। इसी के साथ ही सू कहने लगती है, चलो ठीक है, अब हम लोगों को गोल्डन निडल को यूज करना चाहिए, अब ये टाइम आ चुका है गोल्डन निडल को यूज करने का। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मेजर सू को, जो तुरंत ही गोल्डन निडल निकाल लेती है और कहने लगती है, इसका यूज करो इस जगह पर अपने क्यूआई ब्लड को टेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ ही वो टेस्ट करने लगती है लुशेंग के क्यूआई ब्लड लेवल को, और हम देखते हैं जैसे ही वो इस जगह पर लुशेंग के क्यूआई ब्लड लेवल को चेक करती है, वैसे ही उनको पता चलता है जो लुशेंग का क्यूआई ब्लड लेवल है वो इस जगह पर 24 पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है, यानी कि तुम इस जगह पर लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है तुम्हारे लिए, 18 साल की एज में लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट बनना, चलो ठीक है, अब तुम्हारी कॉम्बैट पावर को भी इस जगह पर टेस्ट किया जाएगा। टीचर डुआन कहने लगते हैं, उस जगह पर जाओ और अपनी कॉम्बैट पावर को शो करो सभी लोगों के सामने, लुशेंग इसी के साथ ही यूज करना होगा। और वैसे भी लुशेंग ने काफी लंबे टाइम से अपनी कॉम्बैट पावर को यूज नहीं किया था, इसीलिए वो वापस अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने वाला था। वो बोलने लगता है, सारी की सारी टेक्निक्स को एक ही बार में यूज करना होगा, डिवाइन एनुबलेशन ऑफ हेलकिंग। और इसी के साथ ही लुशेंग सामने की तरफ सामने वाले स्टैचू के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। लुशेंग के पंच का इंपैक्ट भी काफी ज्यादा होता है। इसी के साथ ही लुशेंग के स्कोर को दिखाया जाता है जो कि 270,000 से ज्यादा था। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर टीचर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। डुआन कहने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इस जगह पर लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, लेकिन तुम्हारी जो क्यूआई ब्लड लेवल स्कोर है वो इस जगह पर खाली लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, तुम तो सही मायने में एक जीनियस हो। मुझे ऐसा लगता है जीनियस शब्द भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोटा होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं अब तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है टीचर्स और बोलती है, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना, इस जगह पर तुम्हें अभी एक और टेस्ट देना है, मैं तुम्हारी मेंटल एनर्जी को चेक करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक स्टोन होता है, जिसके ऊपर कोई भी बंदा अगर अपने हाथ को रखता है तो वो अपनी मेंटल एनर्जी को चेक कर सकता है। और जैसे ही इस जगह पर मेजर सू अपनी मेंटल एनर्जी को चेक करने के लिए उसके ऊपर हाथ रखती है, हम देखते हैं उनका जो स्कोर होता है वो 143 होता है। और ये देखने के साथ ही डुआन खुश होते हुए कहता है, तुम्हारी प्योरनेस तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारी प्योरनेस 4.2 हो चुकी है, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ ही वो उसकी तारीफें करते हुए कहता है, तुम तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, तुमने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। इसी के बाद ही लुशेंग का नंबर आता है, लुशेंग कहने लगता है, क्या मुझे इसके ऊपर
अपने हाथ को रखना है और इसी के साथ ही लुशेंग सबसे पहले अपने हाथ को रखता है तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं निकलती, लेकिन इसी के साथ ही काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और इस जगह पर कहने लगते हैं इतनी एनर्जी कैसे निकल सकती है। हम लुशेंग को देखते हैं जिसके हाथ में अभी भी वो चीज होती है और लुशेंग के चारों तरफ मेंटल एनर्जी आने लगती है। ये देखने के साथ ही सू बोलने लगती है सही में इसकी मेंटल एनर्जी की प्योरनेस मुझसे काफी ज्यादा है, वरना ये क्यूब इतना ज्यादा ग्लो बिल्कुल भी नहीं करता। इसी के साथ ही लुशेंग के सामने उसकी स्टेटस विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है लुशेंग की जो मेंटल एनर्जी का लेवल है वो इस जगह पर 113 है और इसी के साथ ही उसकी प्योरनेस 20 है। सू इसी के साथ ही कहने लगती है इसकी मेंटल एनर्जी की प्योरनेस तो मेरे से काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले टाइम में ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो इसी के साथ ही बताने लगती है इस जगह पर अगर तुम 0.1% मेंटल एनर्जी को प्योर करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी मेंटल एनर्जी को इतना ज्यादा कंप्रेस करना होगा कि जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, और काफी सारी बातें बताने लगती है और लुशेंग की तरफ देखते हुए कहती है ये तो सही मायने में एक जीनियस है, जीनियस शब्द भी इस बंदे के लिए छोटा है और मुझे ऐसा लगता है जल्द ही ये एक मार्शल मास्टर बन जाएगा। इसी के साथ ही जो डुआन होता है वो काफी ज्यादा मजाक करने लगता है सू के साथ और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, जिसे सुनने के बाद सू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी मेंटल एनर्जी का यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारती है डुआन को, जिस पंच की वजह से डुआन के सर के ऊपर उसके सर का एक पार्ट सूझकर बाहर निकल जाता है और वो इस जगह पर लुशेंग से बातें करने लगती है। लुशेंग इसी के साथ ही बताने लगता है इन सारी टेक्निक्स को इस जगह पर मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है, मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उन लोगों ने उससे ये पूछा था क्या उसके कोई मास्टर है। इस जगह पर लुशेंग अब अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है कि उसका मास्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, उसी ने उसे ये सारी की सारी चीजें सिखाई है, जिस वजह से सू कहने लगती है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था इसका मास्टर इस जगह पर कोई ना कोई मिस्टीरियस पर्सन जरूर होगा, वरना इस जगह पर इस बंदे को इतनी सारी टेक्निक्स कैसे पता चली, और अगर इसके पास कोई मास्टर नहीं होता तो अभी तक ये इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होता। लुशेंग इसी बारे में कह रहा होता है इन लोगों को मैं ये भी नहीं बता सकता मेरा मास्टर कौन है, क्योंकि ये लोग तो ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे क्योंकि मेरा जो मास्टर है वो एक गॉड है, लेकिन वो इन सारी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताता। सू कहने लगती है ये बंदा इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि इसका मास्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और वो इस जगह पर कहने लगती है क्या तुम्हें इस जगह पर तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ चीजें पता है। लुशेंग कहने लगता है इससे पहले मैंने कभी भी अपने मास्टर को नहीं देखा, वो बस इस जगह पर मुझे टेक्निक के स्क्रोल समझाते हैं और इसी के साथ ही सारी की सारी चीजें समझाने के बाद वो चले जाते हैं। उनकी आवाज मुझे सुनाई देती है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही सू कहने लगती है तुम इस जगह पर तुम हमारे साइकिक एबिलिटी हॉल को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही लुशेंग कहता है ये इस जगह पर मुझे मार्शल हॉल की तरह लग रहा है, मुझे लगता है ये भी इस जगह पर एक ब्रांच है जिसमें जाकर हम साइकिक पावर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। इसी के साथ ही बताया जाता है कुछ ही लोग होते हैं जो इस दुनिया में साइकिक पावर को अवेक करते हैं, अगर हम इस जगह पर पूरी की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करें तो उसमें से खाली 1% लोग ही इस जगह पर साइकिक पावर को हासिल कर सकते हैं। सू कहने लगती है तुम भी इस जगह पर हमारे साइकिक हॉल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई चीज देती हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने गले में से एक लॉकेट को निकालती है, उस लॉकेट को निकालते हुए कहती है इसका यूज करते हुए जब तुम साइकिक हॉल में जाओगे इसको दिखा देना, उस जगह पर इसे दिखाने के बाद वहां पर तुम्हें हमारे साइकिक हॉल में ज्वाइन कर लिया जाएगा और इसी के साथ ही तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हारी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये सुनने के बाद ही वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है इन चीजों को मुझे अपने पास रखना होगा क्योंकि आगे चलकर ये मेरे लिए और भी ज्यादा काम आ सकती है। इसी के साथ ही कहने लगती है इसके मास्टर ने इस जगह पर पूरी तरीके से फ्रीडम दी हुई है ताकि ये इस जगह पर और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करे और अपने पावर लेवल को इतना ज्यादा पुश करे कि ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। और इसी तरीके से वो और भी काफी सारी बातें करती है लुशेंग के बारे में, लुशेंग इसे रख लेता है और बोलने लगता है मैं जल्दी आपके साइकिक हॉल में आऊंगा और उस जगह पर आकर आपके साइकिक हॉल को ज्वाइन करूंगा। लुशेंग अपने मास्टर के बारे में अपने मन में बातें करते हुए कहता है इन लोगों को अगर मैं अपने मास्टर के नाम के बारे में बताऊं तभी भी इन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और वैसे भी वो फ्यूचर से है और उसका लेवल मार्शल गॉड है। और इसी के बाद ही वो उस बंदे का नाम लेता है जिसने इस सारी की सारी टेक्निक्स को बनाया है जिनको इस टाइम पर लुशेंग कल्टीवेट करता है। उस बंदे का नाम है डुआन यीफेंग जो कि एक मार्शल गॉड है और इसी के साथ ही वो काफी सारी और चीजों के बारे में बताता है। तभी सू इस जगह पर कहने लगती है जल्द ही एक टेस्ट होने वाला है, एक ट्रायल जिसका नाम इस जगह पर मॉर्निंग स्टार ट्रायल है। अगर तुम इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें इस जगह पर रिसोर्सेज की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली, तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और इन सारे टेस्टों को एक बहुत बड़ा पर्सन खुद देखने के लिए आने वाला है। शायद से वो एक मार्शल मास्टर है या फिर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर, इसके बारे में तुम्हें नहीं जानता, लेकिन वो भी इस जगह पर आने वाला है। और जब तुम एक आर्मी सोल्जर बन जाओ तो तुम्हें इस जगह पर हमारे ही कैंप को ज्वाइन करना है। और इसीलिए डुआन उसको इस जगह पर काफी ज्यादा मस्का लगाने लगता है और कहता है अगर तुम हमारे कैंप को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि इस पूरी की पूरी कंट्री में हमारा ये कैंप ऐसा है जिसमें सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। ये सुनने के साथ ही जो मेजर सू होती हैं वो जबरदस्त पंच मारती है उसके गाल के ऊपर और इसी के साथ ही वो दूर जाकर गिरता है। सू बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर इससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बंदा इसी तरीके की बेवकूफाना भरी बातें करते रहते हैं और वैसे भी मुझे लगता है हमारे इस ट्रेनिंग कैंप से 1 स्टूडेंट तुम ही बनने वाले हो और तुम्हारा ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हें जरूर इस जगह पर उस जगह पर जाकर अपने ट्रायल को देना चाहिए क्योंकि ईस्ट ट्रेनिंग कैंप के सारे बंदे उस जगह पर आएंगे जो कि हाईली टैलेंटेड होंगे और मुझे लगता है
तुम इसमें सिलेक्ट हो सकते हो और साइज से इस ट्रायल को पास भी कर सकते हो जिस तरीके की तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और इस टेस्ट को जो जज करने वाला बंदा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में भी वो काफी सारी चीजें बताती है और कहने लगती है। साइज से वो एक जर्नल है जिसके बारे में मैं नहीं जानती और ज्यादातर चीजें हम लोगों को भी नहीं पता। इसी के साथ ही वापस से डुआन उठता हुआ इस जगह पर आता है और कहने लगता है तुम इस तरीके से मुझे टीज नहीं कर सकती एक बच्चे के सामने। इस सारी चीजों को सुनने के बाद डुआन बोलता है मैं एग्री करता हूँ, मैं इस ट्रायल को देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर जो डुआन होता है वो खुश होते हुए कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है लुशेंग, कहने लगता है लेकिन इस ट्रायल के स्टार्ट होने में 3 महीने जल्दी अचीव कर लेगा लुशेंग। इसी के साथ ही इस जगह से निकल जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है बाह्य सिटी के मार्शल हॉल का, जिस जगह पर लुशेंग आया होता है एक रिपोर्ट लेकर जो कि वो इस जगह पर प्रेसिडेंट को देना चाहता था। इसी के साथ ही लुशेंग को दिखाते जो कह रहा होता है कि आखिरकार प्रेसिडेंट कहाँ है, मैं इतने लंबे टाइम से प्रेसिडेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक वो इस जगह पर नहीं आए। तभी जो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट होती है वो इस जगह पर आ जाती है और बताने लगती है प्रेसिडेंट आज काफी ज्यादा गुस्सा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो लुशेंग से कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलने के लिए ले चलती हूँ। इसी के साथ ही लुशेंग इस जगह पर जाने लगता है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और हम देखते हैं तुरंत ही जो असिस्टेंट होती है प्रेसिडेंट की वो कहती है लुशेंग इस जगह पर वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद पता नहीं प्रेसिडेंट का रिएक्शन किस तरीके का होगा और हम देखते हैं वो थोड़ी ही देर में लुशेंग को ले आती है जिस जगह पर प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, हम देखते हैं उनके एक दोस्त को जिसका नाम सियाव होता है, वो लुशेंग की तरफ देखते हुए कहने लगते तुम तो इस जगह पर ट्रेनिंग कैंप से काफी ज्यादा जल्दी वापस आ गए, मुझे तो इस जगह पर तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें सुनने को मिली थी, शायद से तुम उन सारी चीजों से पूरे तरीके से अलग हो। और वो तुरंत ही प्रेसिडेंट से कहते हैं क्या यही है तुम्हारी बाह्य सिटी का नंबर वन जीनियर, मुझे तो लगा था उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होंगी लेकिन ये तो एक छोटा सा बच्चा है। हम देखते हैं प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी बातों को सुनने के बाद लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रहे होते और भी काफी ज्यादा बेइज्जती होने लगती है प्रेसिडेंट की। इसी के साथ ही हम देखते हैं सीनियर जिया वो अपनी बेटी जिया के काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं लगा था तुम्हारा रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा आएगा उस ट्रेनिंग कैंप से। इसी के साथ ही हम देखते हैं लुशेंग बोलने लगता है अगर आपको इस रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ लगती है तो आप तुरंत ही मेजर सू को कॉल कर सकते हैं, वो इस जगह पर आपको सारी की सारी रिपोर्ट दे देगी। ये सुनने के साथ ही प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेजर सू है वो हमारे आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा सीनियर है, इसीलिए मैं सीनियर को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत ही उनके हाथ से वो चीज गायब हो जाती है और जियाव इस जगह पर पकड़कर उस रिपोर्ट को चेक करने लगते हैं और कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, 18 साल की उम्र में लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट और इसी के साथ ही इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो तो काफी ज्यादा है 2 लाख से भी ज्यादा। और ये इसी के साथ ही हम देखते हैं प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को तुरंत ही उनसे छीन लेते हैं लेकिन वो कह रहे होते हैं ये फेक है इस जगह पर। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं क्या तुम्हें इसके ऊपर ये स्टैंप नहीं दिख रही, ये स्टैंप इस जगह पर सही में मेजर सू की है और इसी के साथ ही अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये फेक है तो तुम इस जगह पर ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर आओ मेरे सामने, तब मैं इस जगह पर मान जाऊंगा। लेकिन तभी भी वो यही बोल रहे होते हैं कि ये फेक है इस जगह पर, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं इसी के साथ ही लुशेंग बोलने लगता है आप इसकी पुष्टि इस जगह पर कर सकते हैं। अभी सीनियर जियाओ बोलने लगते हैं तो आखिरकार इसे कैंप से क्यों निकाला गया, लुशेंग कहने लगता है मैंने कब कहा इस जगह पर मुझे कैंप से निकाल दिया गया, आप इस जगह पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे कैंप से निकाल दिया गया है, बल्कि मैं तो इस जगह पर हॉलीडे पर आया हुआ हूँ। प्रेसिडेंट सीनियर जियाओ को शांत करवाते हुए कहते हैं मैं इस जगह पर अभी वीडियो कॉल लगाने वाला हूँ सू को, इसीलिए तुम सारी की सारी बातें उसी से पूछ लेना, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये कष्ट देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही सामने वाली स्क्रीन पर वीडियो कॉल करने लगते हैं मेजर सू को। इसी के साथ ही मेजर सू की स्क्रीन भी ग्लो होती है और हमें मेजर सू को दिखाते हैं। सू इसी के साथ ही पूछती है आखिरकार बाह्य सिटी के प्रेसिडेंट कौन है, उनको मेरी रिपोर्ट मिल गई या फिर नहीं। तभी इसी के साथ ही प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं हाँ मुझे वो रिपोर्ट मिल गई। और इसी को सुनने के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर जियाव होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी के साथ ही जिया भी वीडियो कॉल के अंदर आते हुए कहती है ये मेरे ग्रैंडफादर की आवाज, आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर कहां पर है, और वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही होती है। तभी जो मेजर सू होती है वो उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है और कहती है तुमने इस जगह पर आज के अपने ट्रेनिंग रूटीन को भी कम्प्लीट नहीं किया, जल्दी से इस जगह पर सबसे पहले अपने ट्रेनिंग रूटीन को कम्प्लीट करो, उसके बाद इस जगह पर अपने ग्रैंडफादर से तुम बात कर सकती हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कहने लगते हैं इस जगह पर सारी की सारी रिपोर्ट मैंने देख ली है, आखिरकार अब आगे क्या करना है आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं। तभी वो कहती है ये सारी की सारी रिपोर्ट सही है और इसी के साथ ही लुशेंग को आने वाले टाइम में हमारे ईस्टर्न ट्रेनिंग कैंप से मॉर्निंग स्टार ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, इसीलिए आपको उसे तैयार रखना होगा, बस 3 महीने का टाइम है। ये सुनने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं क्या सही में इस जगह पर लुशेंग को मॉर्निंग स्टार ट्रायल के लिए भेजा जाने वाला है। ये सुनने के बाद तो प्रेसिडेंट के पूरे होश ही उड़ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हम जियाओ को देखते हैं जो भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और वो यहाँ पर कहने लगता है क्या सही में इस जगह पर इस लड़के को मॉर्निंग स्टार ट्रायल के लिए भेजा जाने वाला है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हम देखते हैं वो इस जगह पर डिप्रेस होने लगते हैं।
इसी के साथ वो एक कॉल को याद करते हैं जब वो इस जगह पर अपनी जियाओ से बात कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर उनको वो इंस्ट्रक्टर डांट रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम लूशेंग का सामना कैसे कर पाओगी। तभी वो कहने लगती है जब लूशेंग मेरे सामने आएगा तो मैं भाग जाऊंगी। इसी के साथ ही प्रेसिडेंट कहते हैं चलो ठीक है, इस जगह पर हमने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, अब मैं इस कॉल को कट करने वाला हूँ, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही सू बोलती है मैं इस टाइम पर लूशेंग से बात करना चाहती हूँ, और वो लूशेंग से कहती है जितनी भी हॉब्स के बारे में तुमने मुझसे बात कही थी उस वेपन को बनाने में मैंने सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर ली है और जल्द ही इस जगह पर मैं तुम्हें वो सारी की सारी रिपोर्ट्स भेज दूंगी। और इसी के साथ ही वो काफी सारी और चीजों के बारे में कहती है और कॉल कट कर देती है। ये सुनने के साथ ही तुरंत ही हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और लूशेंग को पकड़ते हुए कहते हैं क्या इस जगह पर तुमने मेंटल स्ट्रेंथ को भी हासिल कर लिया है, तुम तो इस जगह पर सही में एक प्रोडिजी हो, मैं इस जगह पर तुम्हें जीनियस से भी आगे मानता हूँ। और इसी के साथ ही लूशेंग काफी सारी और बातें बताता है और ये सारी बातें सुनने के बाद तो जो इस जगह पर सीनियर जियाओ होते हैं वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कोई लड़का नहीं ये एक मॉन्स्टर है इस जगह पर। इसी के साथ ही वो लूशेंग से बात करते हुए कहते हैं क्या तुम एक टैक्सी से जाना चाहते हो, मैं तुम्हें खुद घर पर छोड़ सकता हूँ। लेकिन लूशेंग मना करने लगता है और कहता है मैं इसी से जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में एक और काम है और उस काम को कम्प्लीट करते हुए मैं अपने घर जाऊंगा। और इसी के साथ ही हम लूशेंग को देखते हैं जो टैक्सी में बैठकर इस जगह से निकलने लगता है। टैक्सी ड्राइवर लूशेंग से कहता है क्या इस जगह पर तुम प्रेसिडेंट को अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि प्रेसिडेंट इस जगह पर तुम्हारे साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। लूशेंग बोलने लगता है प्रेसिडेंट काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, वरना कोई भी सिटी का प्रेसिडेंट इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करता। तभी वो अपने मन में कहने लगता है क्योंकि प्रेसिडेंट को एक ऐसा बंदा मिल चुका है जो कि उनकी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है इसीलिए वो इस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वो ड्राइवर कार चला रहा होता है, तभी कार के आगे एक लोगो आ जाता है जो कि इस जगह पर होंगचेन डोजो का था। ये देखने के साथ ही लूशेंग बोलने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है होंगचुआन डूजो के अंदर का सीन, जिस जगह पर होंगचुआन डूजो के मालिक यानी कि होंगचुआन वो काफी ज्यादा घायल होते हैं। नीवी अपने फादर के साथ बैठी होती है जबकि दूसरे एकेडमी के लोग इस जगह पर आकर उनको बुली कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें कुछ भी कर अपने डूजो को बंद करना होगा, अगर तुम्हारा ये डूजो बंद नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी, अगर नहीं होंगचुआन तुम इस जगह पर मुझसे फाइट कर जीत जाते हो तो तुम इस जगह पर अपने डूजो को ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हारा ये डूजो कभी भी ऑन नहीं होगा। और ये कहने के साथ ही सारे के सारे बंदे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम इस जगह पर नी होंगचुआन को देखते हैं जो बोलने लगता है मेरे को इस टाइम पर एक सीरियस इंजरी हुई है जिस वजह से मैं तुमसे फाइट नहीं कर पा रहा, वरना मैं तुम लोगों को बता देता आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ही वो काफी सारी बातें और करने लगते हैं। नी इस जगह पर कहती है फादर आपको एक सीरियस इंजरी हुई है जिस वजह से अगर आप इस बंदे से फाइट करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी भी नी होंगचुआन इस जगह पर फाइट करना चाहता था जबकि दूसरे एकेडमी का जो मास्टर होता है वो भी कहने लगता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हें दिखा दूंगा आखिरकार हम दोनों के पावर लेवल में इस टाइम पर कितना बड़ा गैप है। होंगचुआन इसी के साथ ही कहने लगता है तुम्हें पता होगा जब मैं सिटी के अंदर आया था तब मैंने अपने फिस्ट की पावर को यूज करते हुए इस सिटी को डोमिनेट किया था और अभी भी मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, मुझे इस जगह पर तुमसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपनी तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन को ले लेते हैं और इस जगह पर अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए कहते हैं आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन नी उन्हें रोक रही होती है और बोलने लगती है फादर आपको इस जगह पर रुक जाना चाहिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है तुमने तो एक फाइटर को इस जगह पर 18 साल की उम्र में लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बना दिया था, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। नी तभी बोलने लगती है वो इस जगह पर हमारा पर्सनल स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो तो हमारे उसमें बाद में ज्वाइन हुआ है। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर वो दूसरे वाले एकेडमी का मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए नी होंगचुआन को पीछे की तरफ फेंक देता है और बोलने लगता है उसी बंदे की वजह से हमारी एकेडमी के सारे स्टूडेंट तुम्हारे वहां पर आ गए और तुम लोगों ने हमारा हक भी खाने की कोशिश करी, और मैंने पहले तो इस जगह पर तुम लोगों की एकेडमी को खुले रहने दिया था लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही नी सामने आती है और बोलने लगती है तुम्हारी एकेडमी के स्टूडेंट खुद इस जगह पर आए थे हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, इसका मतलब है उन लोगों ने अपनी मर्जी से तुम्हारी एकेडमी को छोड़ा था, ना कि हमने उनके ऊपर कोई प्रेशर दिया था। ये सुनने के साथ ही वो दूसरी एकेडमी का मास्टर बोलने लगता है अगर इस जगह पर मैं तुम्हारी इस पूरी की पूरी एकेडमी को तबाह कर दूं तो उसके बाद उनके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा, उन्हें वापस से हमारी एकेडमी में आना पड़ेगा, इसीलिए तो आज तुम्हारा ये होंगचुआन डूजो इसी जगह पर खत्म होने वाला है। इसी के साथ ही जो नी होती है वो बोलने लगती है हम इस जगह पर कुछ भी कर अपनी आखिरी सांस तक अपने डोजो को बचाएंगे, मैं इस जगह पर तैयार हूं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। हमें बताया जाता है नी इस जगह पर लेवल 3 की मार्शल आर्टिस्ट है और वो बोलने लगती है लेवल 3 और लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट के बीच में कोई भी ज्यादा बड़ा गैप नहीं होता इसीलिए तुम मुझसे इतने आसानी से नहीं जीत सकते। लेकिन वो बंदा इस जगह पर बोलने लगता है एक छोटी सी लड़की तुम इस जगह पर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती क्योंकि तुम्हारा फादर ही मेरे सामने काफी ज्यादा वीक है। तभी इस जगह पर हम होंगचुआन को देखते हैं जो इस जगह पर नी को रोकने लगता है और इसी के साथ ही ये भी कहता है कि उस बंदे के पास बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है और तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन नी बोलने लगती है मैं अपने होंगचुआन डूजो को इस तरीके से तबाह होने नहीं दे सकती। ये सुनने के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर आ जाओ, अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो मैं
तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार होंग चुआन की बेटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर नहीं होती है वो तुरंत ही एक पोज लेने लगती है फाइटिंग का और कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम आगे नहीं आने वाली तो मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। आज मैं इस जगह पर तुम्हारी इस पूरी की पूरी खूबसूरत बॉडी को इसी जगह पर डिस्ट्रॉय करूंगा। और काफी ज्यादा तेजी से नी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो नी के ऊपर हमला करता है वैसे ही इस जगह पर होंग चुआन आगे आकर उसके हमले को ब्लॉक करने लगते हैं और कहते हैं तुम तो इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लेकिन होंग चुआन उसके एक ही हमले से पीछे की तरफ गिर जाते हैं क्योंकि उनको सीरियस इंजरी हुई है। लेकिन अभी भी वो दूसरी एकेडमी का मास्टर कहने लगता है अब तो इस जगह पर तुम्हें फील हो चुका होगा मेरा पावर लेवल किस लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनने के साथ ही होंग चुआन कहता है मुझे पता चल गया तुम इस जगह पर फोर्थ रैंक के पीक पर पहुंच चुके हो इसीलिए तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और इस टाइम पर तो मैं तुम्हारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता इसीलिए हम लोगों की जान को बख्श दो मैं तुरंत ही जाकर इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दूंगा और अपने इस होंग चुआन डूजो को बंद कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही वो बंदा हंसने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार बात है तुम अपने इस होंग चुआन डूजो को बंद कर रहे हो मैं तो यही चाहता था कब से कि तुम इस चीज को करो अब मैं इस जगह पर समझ चुका हूँ तुम अपनी बातों के पक्के हो इसीलिए तुम इस बात को जरूर करोगे। नी होंग चुआन भी बोलने लगता है हंसते हुए कहता है ये देखो इस जगह पर ये मेरी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी है और किसी के भी अटैक मेरे ऊपर असर नहीं करने वाले। इसी के साथ ही हम होंग चुआन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होकर बैठे हुए थे और वो कहने लगते हैं उसकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक सही में मेरी फिश टेक्निक से भी काफी ज्यादा अच्छी है। लुशिंग कहने लगता है मुझे एक बार चेक करने दो इस जगह पर क्या सही में तुम्हारी ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो बंदा कहने लगता है हाँ सही में ये काफी ज्यादा हार्ड है अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो मैं तुम्हें इस जगह पर पर्सनली ट्रेन करने को भी तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही लुशिंग बोलता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है आप जैसे ग्रेट मास्टर से स्पेशल ट्रेनिंग लेना लेकिन उससे पहले मैं आपकी पावर को चेक करना चाहता हूँ क्या सही में आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हंस रहा होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन इसी के बाद ही जो वो दूसरे डूजो का मास्टर होता है उसको डर फील होने लगता है। वो कहता है आखिरकार ये किस तरीके की फीलिंग है उसे लुशिंग की बॉडी से एक मॉन्स्टर की जैसी फीलिंग आ रही होती है और वो कहने लगता है ये तो एक मॉन्स्टर की फीलिंग है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुरंत ही उसकी बॉडी के सारे कपड़े फट जाते हैं। वो इसी के साथ ही बोलता है ये लड़का इस जगह पर इतनी ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर पा रहा है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। लुशिंग इसी के साथ ही पहले थम्स अप करता है और कहने लगता है आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है आपने इस जगह पर मेरी 50% पावर को ब्लॉक कर लिया लेकिन अब मैं अपनी 100% पावर को यूज करने वाला हूं। और वो तुरंत ही अपने 100% पावर को यूज करते हुए अपने फोर्स को सामने की तरफ धकेलता है और हम देखते हैं ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे डूजो का मास्टर छटककर पीछे की तरफ जाने लगता है और दीवारों से टकराते हुए सीधा रोड पर जाकर गिर जाता है। और लुशिंग का ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो दोबारा इस जगह पर खड़ा भी नहीं हो पाता। जिस जगह पर लेटा होता है वो उसी जगह पर बैठे रहता है वो हिल भी नहीं पा रहा होता उसकी पूरी की पूरी बॉडी उसी जगह पर होती है। और हम देखते हैं लुशिंग के हाथ का मार्क भी उसकी बॉडी के ऊपर छप चुका था। लुशिंग तुरंत ही अपने थंब को डाउन करते हुए कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो मेरे एक अटैक को भी नहीं संभाल पाए मुझे तो ऐसा लगा था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे। सारे के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और कहने लगते हैं क्या सही में इस जगह पर ये लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरे बंदे कहते हैं हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। तभी वहां पर एक बंदा बोलने लगता है हम अपने मास्टर को लेकर नहीं आए मास्टर को लेकर निकलना चाहिए हम नी होंग चुआन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लुशिंग तुरंत ही नी के पास आता है और उसको उठाते हुए कहता है अब इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब तुम यहाँ पर इस डूजो को खोल सकते हो। और वो इसी के साथ ही नी होंग चुआन से कहता है मैंने आपकी मदद इसलिए करी क्योंकि मेरे घर के पास में ये सबसे अच्छा डूजो है और मैं इसी जगह पर आकर जल्दी से ट्रेनिंग कर सकता हूँ लेकिन इस बार तो मैं इस जगह पर था लेकिन अगली बार मैं इस जगह पर नहीं हूँ तब तक के लिए आपको इस जगह पर तैयारी करनी होगी। नी होंग चुआन कहने लगते हैं मेरी एक बार यहाँ पर जो इंजरी है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद मैं इन सभी को एक ही बार मैं संभाल लूंगा। लुशिंग कहता है मुझे पता है आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही लुशिंग अब ये भी बोलने लगता है चलो ठीक है अब मुझे अपने घर जाना चाहिए मेरी मोम मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। इसी के साथ ही वो इस जगह से चला जाता है। नी होंग चुआन बोलने लगता है इसकी पावर काफी ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है ये इस टाइम पर लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट है। तभी नी बोलने लगती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये 2 महीने पहले तो इस जगह पर लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट था ये अभी लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है लुशिंग के घर का जिस जगह पर लुशिंग अपने घर पर आ जाता है और उसकी मॉम उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है तुमने तो कहा था तुम 4 बजे तक घर आ जाओगे लेकिन तुम्हें आने में इतनी लेट की हो गई। लुशिंग बताता है रास्ते में कुछ झगड़ा हो गया था जिसमें वो भी पड़ गया था इसीलिए उसे लेट हो गई। तभी उसकी मॉम चिंता करने लगती है और बोलती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को चेक कर रही होती है। लुशिंग के फादर कहते हैं तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है इसीलिए उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। और वो अपने बेटे के बारे में कहने लगते हैं वो आगे चलकर एक आर्मी को ज्वाइन करने वाला है इसीलिए यही उसके लिए अच्छा होगा कि वो धीरे धीरे करके ग्रो करता रहे। तभी जो उसकी बहन होती है वो उसके पास आती है और कहती है ब्रदर जिस मीट को अपने घर में भेजा था वो काफी ज्यादा अच्छा था उसके वजह से फादर की इंजरी भी ठीक हो गई और मेरा क्यू आई ब्लड लेवल भी 1.1 हो गया। इसी के साथ ही लुशिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैंने उसे चुराया था मैंने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं किया था मैंने बस वो अपनी मेहनत से हासिल किया था इसीलिए किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। इसी के बाद ही लुशिंग की मोम उसके लिए उसका फेवरेट खाना ले आती है इस जगह पर। लुशिंग कहने लगता है मोम आप काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ उसके फादर
रहने लगते हैं, तुम्हें जल्दी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद साय से तुम्हें ट्रेनिंग भी करनी है और अपनी स्कूल की स्टडी भी आगे बढ़ानी है। उसकी मोम अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और कहने लगती है, क्या तुम इस जगह पर उसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से खाने नहीं दे सकते। तभी उसके फादर कहते हैं, वो इस जगह पर एक मार्शल आर्टिस्ट है और एक मार्शल आर्टिस्ट को सारे के सारे कामों पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ही वो सभी के सभी मिलकर इस जगह पर फैमिली गॉसिप करने लगते हैं। इस जगह पर काफी सारी बातें होती हैं, आखिरकार इतने टाइम में उसके घर में क्या क्या चीजें हुई। जबकि उसकी मोम अपने हस्बैंड को डांट रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन दिखाते हैं। जो लूशिंग होता है वो अपने सोने के बाद फ्यूचर टाइम में पहुंच जाता है, जिस जगह पर आने के साथ ही वो फाइट करने लगता है ज़ॉम्बी के साथ। जब वो एक ज़ॉम्बी को देखता है, उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और एक ही पंच में वो ज़ॉम्बी ढेर हो जाता है। लूशिंग बताने लगता है, ये ज़ॉम्बी इस जगह पर अपने टाइम में पीक लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट था। इसी के साथ ही लूशिंग कहने लगता है, मेरी पावर धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही लूशिंग एक बड़े टावर के पास आ जाता है, जिसके ऊपर एक ज़ॉम्बी लूशिंग को देख रहा होता है। जैसे ही लूशिंग की नजर उस ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है, लूशिंग बताने लगता है, इस जगह पर जब मैं पहली बार आया था तब मेरी मुलाकात ज़ॉम्बी से हुई थी। तब इसने मेरे ऊपर अपने पावर प्रेशर का यूज किया था और इसके प्रेशर की वजह से ही मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। क्या इस टाइम पर मैं इसका सामना कर सकता हूँ या फिर नहीं, मुझे देखना होगा। और इसी के साथ ही वो ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये इस जगह पर नीचे अगर मुझसे फाइट करता है तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो तुरंत ही लूशिंग के पास आ जाता है। लूशिंग ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड लूशिंग की स्पीड से 3 गुना ज्यादा होती है। लूशिंग कहने लगता है, एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद इतनी ज्यादा पावर मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। इसी के साथ ही उस ज़ॉम्बी की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। लूशिंग समझ जाता है, लूशिंग पीछे की तरफ चला जाता है। लूशिंग को ये समझ में आ जाता है कि ये जो मार्शल मास्टर का ज़ॉम्बी है, ये उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा, ये बस खड़ा है। और अगर ये लूशिंग के साथ रियलिटी में फाइट करे तो लूशिंग का इस जगह पर टिकना नामुमकिन है, लूशिंग मारा जाएगा। इसी के साथ ही लूशिंग रेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। लूशिंग बोलने लगता है, क्या मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मुझे इस जगह पर आकर इसके इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्या ये टाइम परफेक्ट है इसके साथ फाइट करने का। वो इसी बारे में सोच रहा होता है, हम उस मार्शल मास्टर को देखते हैं जो उस जगह पर अभी भी खड़ा होता है शांति से और लूशिंग की तरफ देख रहा था। हम देखते हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो कर रही होती है, जैसे कि वो इस जगह पर एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। और वो अपनी पावर 1% नहीं बल्कि लूशिंग के अगेंस्ट 100% यूज कर रहा है। लूशिंग कहने लगता है, ये तो इस जगह पर अपनी 1% पावर को यूज कर रहा है, अगर रियलिटी में मेरा सामना किसी मार्शल मास्टर से हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे फाइट बैक करना होगा। और हम देखते हैं लूशिंग अपने पंचेस को लगातार उस मार्शल मास्टर के बैरियर के ऊपर मारने लगता है। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, लेकिन लूशिंग के इतने पंचेस मारने के बावजूद उस बैरियर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया होता। लूशिंग कहने लगता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने इसकी एक लेयर को कमजोर करने के लिए लगभग 1000s of punches मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी शील्ड अभी तक नहीं टूटी, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ और करना होगा। जबकि हम देखते हैं वो मार्शल मास्टर अभी भी लूशिंग की तरफ देख रहा होता है। लूशिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इस जगह पर अपनी मेंटल पावर को यूज करना होगा, इससे पहले मैं अपनी मेंटल पावर को बस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करता था, लेकिन अब मैं अटैकिंग के लिए इसको यूज करने वाला हूं, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी मेंटल पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहने के साल्स होते हैं वो बैरियर से टकराते हैं, वो भी इस जगह पर बैरियर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसी के साथ ही लूशिंग कहता है, आखिरकार ये सारी चीजें क्या है, उसका डिफेंस इतना ज्यादा मजबूत कैसे हो सकता है। उसका डिफेंस इतना ज्यादा मजबूत है कि वो खाली अपनी 1% पावर को यूज कर रहा है, इसके बावजूद मेरी सारी की सारी एबिलिटीज उसके खिलाफ बेकार है। और वो तुरंत ही ऊपर की तरफ जाने लगता है और इसी के बाद ये भी कहने लगता है, मुझे अपनी फुल मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा अगर मैं इस जगह पर इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। और हम देखते हैं वो अपनी फुल मेंटल स्ट्रेंथ को कहता है, ये पॉसिबल है इस जगह पर, और अपनी वापस से पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इस वजह से लूशिंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लूशिंग ने इस जगह पर अपने काम को सक्सेसफुली कर लिया होता है। लूशिंग कहता है, बस थोड़ी और पावर को इस जगह पर लगाना है तभी मैं इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। लूशिंग ने अपनी जितनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करना था वो कर चुका था, लेकिन अभी भी वो बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता बल्कि अभी भी वो बैरियर इस जगह पर बचा होता है। इस जगह पर वो मार्शल मास्टर भी इन सारी चीजों को देख रहा था, उसका बैरियर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। और थोड़ी ही देर में लूशिंग इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर निकल रही थी और उसके बैरियर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद लूशिंग कहता है, चलो ठीक है अब मार्शल मास्टर तुम्हारी कहानी को भी इसी जगह पर खत्म करते हैं, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मुझे एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिस एक्सपीरियंस का यूज करके मैं आगे चलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो मार्शल मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं मार्शल मास्टर इस टाइम पर भी लूशिंग की तरफ कोई भी अटैक नहीं करता और इसी के साथ ही लूशिंग उस मार्शल मास्टर को भी मार देता है। और इसी के साथ ही वो मार्शल मास्टर अभी भी हंस रहा होता है और इसी के साथ ही उसकी बॉडी से जो एनर्जी होती है वो निकल कर लूशिंग की बॉडी में जाने लगती है। ये सारे का सारा एक्सपीरियंस होता है जो कि शेयर हो रहा होता है लूशिंग के साथ। इसी के साथ ही लूशिंग को अब दोबारा से यादें दिखने लगती है इस मार्शल मास्टर की, जिस जगह पर ये पहली बार अपने मार्शल मास्टर लेवल पर पहुंचा था। और इसी के साथ ही सभी लोग इसे कांग्रेस कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, सर आप तो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े जीनियस है, आप इतनी जल्दी इस लेवल पर पहुंच गए। उसकी बच्ची इस जगह पर उसे रोकने लगती है और कहती है, फादर
आपको हम लोगों के साथ चलना चाहिए। तभी उसके फादर कहते हैं मैं एक मार्शल मास्टर हूँ, जिस वजह से मुझे इसी जगह पर रुकना होगा। उनके जाने के बाद तुरंत ही उस जगह पर एक 9th रैंक का मॉन्स्टर बीस्ट आ जाता है, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये मार्शल मास्टर भी उसको नहीं रोक सकता था, लेकिन फिर भी उसे सामना करना था इस मॉन्स्टर बीस्ट का। इसी के साथ ही वो अपनी इंस्पिरेशन के बारे में भी बता रहा होता है। उसकी इंस्पिरेशन इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वांग नाम का एक बंदा है, जो कि इस टाइम पर अपने ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। और इसी के साथ ही वो 9th रैंक का मॉन्स्टर अपनी पावर को यूज करते हुए मार्शल मास्टर के ऊपर भी हमला कर देता है। मार्शल मास्टर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को घायल कर देते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं बॉस आप सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस जगह पर इस मार्शल मास्टर को भी पता था भले ही ये इस मॉन्स्टर को घायल कर दे लेकिन ये इस मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला मॉन्स्टर एक 9th रैंक का मॉन्स्टर है और इसको हराना उसके बस की बात नहीं है। इसी के साथ ही वो उस मार्शल मास्टर को भी उसी जगह पर मार डालते हैं। और इसी के साथ ही इस मार्शल मास्टर की कहानी इसी जगह पर एंड हो जाती है। लुशेंग कहने लगता है मैंने इसकी कहानियों में जिस 9th रैंक के मॉन्स्टर को देखा है वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने उसको अभी अपने सामने नहीं देखा लेकिन फिर भी मुझे डर महसूस हो रहा है इस जगह पर भी। और इसी के साथ ही वो इस मार्शल मास्टर के बारे में बात करता है जिसने इस जगह पर काफी सारी टेक्निक्स बनाई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक इसकी कॉम्बैट टेक्निक है और इसकी कॉम्बैट टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो इस मार्शल मास्टर की कॉम्बैट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और कॉम्बैट टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए कहता है इसकी कॉम्बैट टेक्निक इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि मेरी जो कॉम्बैट टेक्निक थी पुरानी वो सारी की सारी बेकार है। तभी इस जगह पर लुशेंग को वापस से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये चीजें क्या है। वो वापस से इस मार्शल मास्टर की मेमोरीज को देखने लगता है। इसकी मेमोरीज को देखते हुए उसे काफी सारे लोगों के बारे में पता चलता है। लुशेंग इसी के साथ ही कहने लगता है इसने एक स्पेशल स्किल को भी बनाया था, मुझे इसकी मेमोरीज में उस स्पेशल स्किल को ढूंढना होगा और जल्दी से जल्दी मुझे एक काम करना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में जो मेरी एनर्जी है वो पूरे तरीके से ड्रेन हो जाएगी क्योंकि मेरे पास और ज्यादा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो वापस से उस मार्शल मास्टर की बॉडी की तरफ देखने लगता है और बोलता है आखिरकार इसकी बॉडी में क्या स्पेशल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक बंदे के बारे में सुना था जिसका नाम वांग था और वो अपने उस टाइम पर ग्रैंड मास्टर लेवल पर था, लेकिन आगे चलकर वो एक मार्शल गॉड बना और वो वही बंदा है जिसने इस जगह पर स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को बनाया है। और हम देखते हैं वो उसकी मेमोरीज के अंदर उस स्पेशल टेक्निक को ढूंढने लगता है जो कि इस बंदे ने अपने मार्शल मास्टर लेवल पर बनाई थी। और ये मार्शल मास्टर लेवल वाले बंदों के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वो लेवल 8 के मॉन्स्टर या फिर लेवल 8 के मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकते हैं। इसी के साथ ही इस जगह पर गोल्डन क्रो के बारे में बताया जाता है। गोल्डन क्रो जो कि इस जगह पर एक ऐसा डिवाइन बीस्ट है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सके क्योंकि उसके पास जो पावर्स है वो फ्लेम की है। और गोल्डन क्रो वो है जिसकी फ्लेम से इस जगह पर फीनिक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार के लिए तुम फीनिक्स की फ्लेम से बच सकते हो लेकिन गोल्डन क्रो की फ्लेम के चपेट में आने के बाद तुम्हारे बचने के चांसेस 0% है। लुशेंग कहने लगता है वो टेक्निक अभी भी इसी जगह पर होनी चाहिए, मुझे इस जगह पर इसकी मेमोरीज में बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ ही जब लुशेंग इस जगह पर इसकी मेमोरीज में एक पिल जैसी चीज को देखता है वो उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है आखिरकार ये चीज क्या है। इसी के साथ ही लुशेंग की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। लुशेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इतनी ज्यादा एनर्जी इस पिल से कैसे निकल सकती है। इसी के साथ ही लुशेंग को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसमें एक चीज का नाम बार बार लिया जा रहा होता है, गोल्डन क्रो। और इसी के साथ ही लुशेंग कहता है इस गोल्डन क्रो के बारे में मैंने सुना है, ये एक डिवाइन बीस्ट है, लेकिन इससे पहले मैंने इसके बारे में कोई भी ज्यादा जानकारियां नहीं सुनी। लुशेंग को अब इस जगह पर बाकी चीजें भी सुनाई देती हैं, जैसे कि इस जगह पर कहा जा रहा होता है जो हेवन के एम्परर है वो और कोई नहीं बल्कि गोल्डन क्रो के फादर है। और इसी के साथ ही एक गोल्डन क्रो के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो एक बार में एक सन से भी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर कोई अपनी पावर को यूज करते हुए एक अर्थ पर 10 सन्स को ले आए और अपनी 10 सन टेक्निक को यूज करे तो उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। और हम देखते हैं इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक ड्रैगन भी थोड़े ही टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुशेंग कहने लगता है ये एनर्जी काफी ज्यादा है, आखिरकार ये किस तरीके की एनर्जी है। और लुशेंग को अब इस जगह पर इस मार्शल मास्टर की यादों में वो सारी चीजें दिखने लगती है जो कि इसने इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए करी थी। हम देखते हैं काफी सारी फ्लेम्स को जो कि इस जगह पर गोल्डन क्रो की होती है। लुशेंग को ये समझ में नहीं आता आखिरकार इस बंदे के पास गोल्डन क्रो की फ्लेम्स कहां से आई, उसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। काफी सारे गोल्डन क्रोस, काफी सारे सन्स जिनके अंदर से एनर्जी निकल रही है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि एक बार के लिए किसी भी प्लेनेट को कुछ ही समय में तबाह कर दे, उस जगह की लाइफ फॉर्म को पूरे तरीके से बर्बाद कर दे। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है इस टेक्निक का नाम, इस टेक्निक का नाम है 10 Suns in 1 Sky। और इस टेक्निक को इस जगह पर इस मार्शल मास्टर ने क्रिएट किया था ताकि अपनी स्ट्रेंथ और पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन इस टेक्निक का साइड इफेक्ट की वजह से इसकी पावर धीरे धीरे कर कम होने लगी। इसीलिए जब ये फाइनल फाइट में उस 9th रैंक के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था तब ये मार्शल मास्टर एक बार के लिए भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही इस टेक्निक के बारे में ये भी बताया जाता है जो गोल्डन ग्रो की फायर है वो अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करे तो तुम्हारा हाल भी काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। लुशेंग की बॉडी के पीछे से हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। लुशेंग बोलने लगता है अभी टेक्निक इस जगह पर मेरी है और सामने की तरफ पंच करता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है, लुशेंग की आंखें खुल जाती हैं।
इसी के साथ ही लूशेंग अपनी बिल्डिंग से बाहर के नजारे को देखने लगता है और कहता है आज का तो काफी ज्यादा रोमांचक दिन है। और इसी के साथ ही अब उसे ये पता चलता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में चेंजिंग हो रही है, अब वो अपनी मेंटल पावर को किसी और तरीके से भी यूज कर सकता है, अटैकिंग या फिर दूसरे तरीकों से। और इसी के साथ ही वो अपने हाथों को यहाँ पर यूज करते हुए एक डार्क ऑर्ब को क्रिएट करने लगता है और कहता है आखिरकार मैं इस डार्क ऑर्ब से क्या कर सकता हूँ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार वो किस तरीके से अपनी मेंटल एनर्जी को यूज कर रहा है, क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो बताता है जो जियाव है उसकी मेंटल एनर्जी इस जगह पर हवा की तरह है और वो हवा को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, जबकि इस जगह पर जो सू है उसकी मेंटल एनर्जी पूरे तरीके से वाटर की तरह है। लेकिन जो मेरी एनर्जी है ये इन दोनों से अलग है, क्योंकि मेरी एनर्जी स्टील और फायर से रिलेटेड है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। और लूशेंग अब इसी के साथ ही कहता है इसके बारे में तो मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन आखिरकार मैं इसका यूज किस तरीके से कर पाऊंगा जल्दी मुझे पता चल जाएगा जब मैं इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा। तभी लूशेंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है। जैसे ही वो इस जगह पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करता है सामने वाली बिल्डिंग इस जगह पर हिलना स्टार्ट हो जाती है। लूशेंग कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं लूशेंग की नजर भी साइड वाली बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है जो कि शेक हो रही होती है। ऐसा लगता है उस जगह पर भूकंप आया और ये एपिसोड इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लूशेंग के मॉर्निंग स्टार ट्रायल को देखने वाले हैं, क्या वो उसे कंप्लीट कर पाएगा और इसी के साथ ही लूशेंग की मेंटल स्ट्रेंथ किस तरीके की है ये भी देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।